हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एजुकेशन गंगा में। हम कंटिन्यू करेंगे मैथ में परसेंटेज। आज हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आय और व्यय में आपका परिवर्तन आ रहा है परसेंटेज में तो कैसे आप निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चुनाव और मतदान पर आधारित क्वेश्चन। तो आप क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं आप देखिए। पहला हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका आयतन पर आधारित क्वेश्चन, आयतन पर आधारित क्वेश्चन। थर्ड वन हमारा है आय और व्यय, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन। फोर्थ वन है आपका चुनाव और मतदान पर आधारित, चुनाव या मतदान पर आधारित क्वेश्चन। अब आप देखिए जो आपका क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है वो आपका कैसे होगा, ठीक है। क्षेत्रफल, हम लिख लेते हैं आयत, ये आपका एक आयत बना हुआ है, ठीक है। ये भुजा आपकी तीन है, ये तीन है, ये आपकी चार है, और ये चार। अगर कहता है कि इसके लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई में इसके 30% की वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में इसके 40% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, ठीक है। इस तरीके के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं क्षेत्रफल आपका टू डायमेंशनल होता है, लंबाई और चौड़ाई या जो उसकी भुजा होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे क्षेत्रफल इसका निकालना हो तो क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आपका। अगर इसकी जगह स्क्वायर ले लें जिसे आप वर्ग बोलते हैं, वर्ग लेते हैं तो आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग की ये सारी भुजाएं इसकी दो दो हैं, ये कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा में, इसकी जो भुजा है उसमें आपका 20% का परिवर्तन आता है, तो हम कैसे देखेंगे। इसी तरीके से आपका त्रिभुज का हो गया, आपके सर्किल में कोई परिवर्तन आता है तो हम उन पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक हमें निकालना है, एक रेक्टेंगल दिया गया है आपका, एक आयत दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि आयत के लंबाई में 10% का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई, चौड़ाई में आपका 5% का परिवर्तन आ रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है आपको बताना है। परिवर्तन का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या क्या हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने बताया था आपको अगर हमको परिवर्तन देखना है तो परसेंटेज में जो परिवर्तन आता है, परसेंटेज में परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज इंटू दूसरा परसेंटेज इंटू दूसरा परसेंटेज ऑब्लिक 100, ठीक है, ठीक है, ऑब्लिक 100। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। पर आप इसमें लंबाई में कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10 प्लस क्या है 5 प्लस 10 इंटू 5 ऑब्लिक 100, ठीक है। जो हमने इसको लिखा 10 जा 100, 5 टू जा 10, तो 10 प्लस 5 प्लस 1/2, जिसको क्या कर सकते हैं 10 प्लस 5 15 प्लस 1/2 क्या लिखते हैं आप 0.5, तो 15.5% का आपका क्या है क्षेत्रफल में चेंजमेंट आएगा, ठीक है, ठीक है। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप मान लीजिए कि हमें निकालना है कि एक आयत है उसकी लंबाई में आपकी 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी आ रही है, 10% की क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो इसको कैसे निकालेंगे आप,
तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और कमी वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको साइन सहित मेंशन करना है, ठीक है। पहला 20 मान लीजिए आप परसेंटेज में क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन परसेंटेज वाला परिवर्तन जो आएगा 20 हो गया, और ये कमी आ रही है तो क्या होगा माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 ऑब्लिक 100। तो ठीक है 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 हो गया, 10 ये कितना है आपका 20 प्लस आपका माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है 10 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 5 दुनी 10, 10 माइनस 2 क्या हो गया आपका 8%, 8% का आपका चेंज आ रहा है। देखिए 20% का चेंज हुआ, 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, प्लस 20 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। तो आपने इसको खोल दिया तो आपका माइनस का साइन यहाँ पड़ा रहेगा, तो आप चेक बाहर कर दीजिए, चाहिए इसके साथ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस का साइन आप रहने दीजिए यहाँ पे, तो आपने 20 इंटू 10 अपॉन 100 है, 20 जोड़ के 20 पच्चीस 100, 5 दुनी 10, 2 आ गया। ये आपका प्लस का 10 माइनस का 2, 8% का आपका चेंज आएगा, ठीक है। 8% का उसमें प्लस है तो 8% क्या हो रही है क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो रही है, ओके। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है, एक स्क्वायर है या एक वर्ग है, वर्ग में एक भुजा में आपका 25% का परिवर्तन आ रहा है, तो आप बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन आएगा। तो देख लीजिए वर्ग क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या आप उसको क्या बोलते हैं भुजा स्क्वायर, दो साइड होती है भुजा स्क्वायर। तो पहला 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे 100, 25 कितना होगा 50 हो गया, 50 प्लस आप इसको देखिए 25 चौके 100, 4 छंग 24 और एक बचा आपका 25, ठीक है 50 प्लस 56.25% का क्या आएगा आपका उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है ठीक है। तो ये था, ये हमने देखे कि आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, परसेंटेज में जो परिवर्तन है आपका पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला इंटू दूसरा अपॉन 100। इसमें बस हमें ये देखना है अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस साइन जाएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा। आपको साइन के साथ ही लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन में कोई भी आपको कुछ आंसर निकालने में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। हम देखते हैं आपका आयतन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हम बात करेंगे आयतन पर आधारित क्वेश्चन की, क्योंकि आप आयतन जानते हैं कि आयतन क्या होती है आपकी थ्री डायमेंशनल यूनिट होती है, जैसे आप घन का जो आयतन होता है क्या होता है एक क्यूब होता है, एक क्या होती है आपकी साइड होती है भुजा होती है ना, घनाभ का क्या आयतन होता है आपका, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इन तीनों यूनिट में चेंज आता है कुछ ना कुछ, तो ये आपकी क्या होगी थ्री डायमेंशनल है, तो इसका क्या हो जाता है त्रिविमीय है, थ्री डायमेंशनल है। तो इसके चेंजमेंट को हम कैसे करेंगे ये आपको मैं इस फॉर्मूले के माध्यम से बताता हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है आपको परसेंटेज में परिवर्तन, परसेंटेज में परिवर्तन पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज इंटू दूसरा परसेंटेज इंटू दूसरा परसेंटेज अपॉन 100 है ना आपका। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसमें जो चेंजमेंट आएगा आपका पहला दूसरा और तीसरा, तीन आएंगे ना, तो हम पहले परिवर्तन निकालेंगे पहले और दूसरे को लेके, हमने निकाला ठीक है। अब ये जो आपका परिवर्तन आएगा इसका जो आंसर आएगा ठीक है, आप इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग परिणामी परिवर्तन, परिणामी परिवर्तन, परिणामी परिवर्तन आ गया ठीक है। अब हम जब हम तीसरा यूनिट लेंगे तो हम इसी परिवर्तन को
फिर से रिपीट करेंगे तो आप क्वेश्चन क्या आ जाएगा, परसेंटेज में परिवर्तन, परसेंटेज में परिवर्तन हो जाएगा आपका परिणामी जो रिजल्टेंट है, परिणामी परिवर्तन, परिणामी परिवर्तन प्लस थर्ड वन तीसरा परिवर्तन, ठीक है, तीसरा वृद्धि जो हो रही है ये जो आपका आएगा प्लस परिणामी इंटू तीसरा परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। अब इससे जो आपका सॉल्व करने में जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, आयतन में परिवर्तन, ये आपका आ जाएगा क्या, आयतन में जो परिवर्तन आएगा, आयतन में परिवर्तन, ठीक है, आयतन में परसेंटेज परिवर्तन, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, एक आपका घन दिया गया, क्वेश्चन क्या है, एक घन दिया गया है, घन की भुजा, घन में जो भुजा है आपका जो साइड है ए उसमें आपका 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो आप बताइए कि घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो घन के आयतन में कितना परिवर्तन आएगा इसको निकालना है, घन के आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है और आयतन में जो परिवर्तन आएगा वो आपको पता करना है, ठीक है, 10% की क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, तो आयतन में कितना चेंजमेंट आएगा परिवर्तन पता करना है, ठीक। अब देखिए अप्लाई करते हैं, परसेंटेज में परिवर्तन क्या होता है आपका, घन का आयतन ए क्यूब होता है, ठीक है, आपको एक मार्क एक भुजा मालूम है तो ए क्यूब के माध्यम से हमें निकल जाएगा, तो परिवर्तन कितना होगा 10% प्लस दूसरा प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 10 दस दमा सौ कट गया वन आ गया, तो कितना चेंजमेंट आएगा 21% आया, ठीक है। और हमको क्या करना है, तीसरा परिवर्तन भी देखना है हमको, तो आप क्या निकालेंगे, पहला परिवर्तन इसको ले लेंगे पहले उसके, ठीक है, परिणामी परिवर्तन आपको कितना आ गया 21, तो 21 प्लस तीसरा परसेंटेज कितना है 10%, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, दस दामा 100, यहाँ पर गया यहाँ क्या आ गया 2.1 आ गया 2.1, तो 21 प्लस 10 31 प्लस 2.1 तो 33.1% का आपका चेंजमेंट आया, किसमें आया आपका, आयतन में परिवर्तन, कितना आ गया आयतन में परिवर्तन, कितना आया आपका आयतन में परिवर्तन आ गया आपका 33.1%, ओके, क्या हो गई पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए 33.1% की वृद्धि हो रही है, ओके। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चले हम क्वेश्चन लेते हैं, आपका एक हॉल है, ठीक है, क्या एक हॉल दिया हुआ है, हॉल में आपका की जो आपकी वो है लंबाई चौड़ाई हो जाएगा उसमें आपका 10% का 20% का और 10% की क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है, कमी हो रही है, तो आपको बताना है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है, क्या हो रही है 10% 20% और 10% की क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको, पहला परिवर्तन चूंकि कमी हो रही है, पहला परिवर्तन -10, पहले हम दो डायमेंशनल निकालते हैं, दो बीमी निकालते हैं ना, दो बीमी परिवर्तन कितना होगा, दो बीमी परिवर्तन देखते हैं, टू डायमेंशनल परिवर्तन परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 बटे 100, -10 -20 कितना होगा -30 हो गया, ठीक है, -30 प्लस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये साइन आप कैसे रहने दीजिए, 20 दामा 200 उठे 100 कट गया आपका 2 आ गया, -30 प्लस 2 मतलब -28% है, ठीक है। उसके बाद 10% का और परिवर्तन आ रहा है आपका, ठीक है, तो इसे 30% के लिए उसके लिए देखते हैं आपका,
टोटल जो आयतन में परिवर्तन आ रहा है, आयतन में परिवर्तन आ रहा है आपका माइनस का 28 निकालो आपने, ये माइनस का 10 प्लस माइनस का 28 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100, माइनस का 28 माइनस का 10 माइनस का 38 हो गया, प्लस ये रहेगा आपका माइनस माइनस 10 प्लस हो जाता है, ठीक है 280 अपॉन 100, जीरो कट गया आपका, ये हटाया आपने, यहाँ पॉइंट लग गया, माइनस का 38 प्लस का 2.8, ठीक है तो ये माइनस का है 0.8 कर दिया, 0.2 हो जाएगा, हो गया आपका 37 हो गया 35, 30.52%। तो आपने देखा कि आज ये माइनस का साइन लगाया तो इसने की कमी हो रही है, उसके आयतन में 35.2% की कमी हो रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक आपका कमरा है, ठीक है कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें आपकी 10% की कमी हो रही है, इसमें आपकी 10% कमी हो रही है, इसमें 20% की चौड़ाई, 20% की कमी हो रही है और ऊंचाई में जो है 5% की वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। सेम फॉर्मूला है, आप अप्लाई करिए, ठीक है परिवर्तन देखते हैं हम लोग, परसेंटेज परिवर्तन, तो हम दो यूनिट लेते हैं, 10% की कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है, माइनस 10 माइनस 20 प्लस माइनस का 10 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100, माइनस का 10 माइनस 20 माइनस का 30, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दामा 200 बटे दो, ये क्या आ जाएगा 200/100, 2 हो गया, तो माइनस का 30 प्लस का 2 कितना हो गया आपका माइनस का 28, ठीक है उसके बाद हम इस यूनिट को लेते हैं, इसमें वृद्धि हो रही है आपकी, क्या आपको माइनस का 28 आ गया ना, तो माइनस का 28 बदल गया आपको, फिर 5% की वृद्धि हो रही है, माइनस 28 प्लस का 5 प्लस माइनस का 28 इंटू 5 अपॉन 100, ये आपका निकल रहा है फाइनल परिवर्तन ना, फाइनल परिवर्तन, ठीक है माइनस का 28 प्लस का 5 प्लस आपको माइनस का 28 इंटू 5 अपॉन 100 हो गया आपका, माइनस का 23 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपका, 28 इंटू 5 अपॉन 100, 28 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है ये देखिए 5 विषम सौ होता है आपका 20 प्लस करके 10 14 10 से आप काटते हैं तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, माइनस का 23 और माइनस का 1.4 ये आपका ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाते हैं, माइनस का आपका 23 से 24 24.4% का आपका चेंजमेंट आया, ये चूंकि माइनस है तो क्या है कमी आएगी आयतन में 24 और 24.4% की कमी आएगी, ठीक है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके आयतन पर आधारित क्वेश्चन, अब हम देखते हैं चुनाव पर इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाते हैं इलेक्शन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मतदान या चुनाव पर आधारित, चुनाव या मतदान पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है इसमें आपको क्या समझना है, जैसे कि कोई इलेक्शन हो रहा है, एक पार्टी है उसको 40% वोट मिलते हैं, तो अगर एक पार्टी को 40% वोट मिलते हैं तो आप जानते हैं वोटों की मात्रा कितनी होती है, 100% होती है, उसको हम एज्यूम करते हैं कि वोट जो है आपके 100% है, ठीक है 40% एक कैंडिडेट को मिले तो दूसरे कैंडिडेट कितने मिलेंगे, तो 100-40 कर दीजिए, एक कैंडिडेट के ऊपर 40% मिले, कैंडिडेट का नाम है ए, उसको 40% वोट मिले, ठीक है वोट मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100-40, ठीक है 60%, ठीक अगर किसी को 10% वोट मिले तो दूसरे को क्या मिलेंगे, तो
तो दूसरे कैंडिडेट, ए कैंडिडेट उसको हम 10% मिले, तो बी कैंडिडेट है उसको कितने मिलेंगे, 100-10 90% वोट मिलेंगे। और सपोज कीजिए कि अगर तीन कैंडिडेट हैं, ए बी और सी, तीन कैंडिडेट हैं, ए को मिले 40% वोट, बी को मिले 30% वोट, तो सी को कितने मिलेंगे, 100-40-30 40-30-70 30% सी को भी, वो कैंडिडेट को भी वो आपके वोट मिले, मतलब जो टोटल वोट परसेंटेज होगा आपका 100% होगा। जो वोट परसेंटेज कम हो जाएंगे आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। एक कैंडिडेट है आपका राम, राम इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, राम को 40% वोट मिले, राम कितने परसेंट वोट मिले, 40% वोट मिले, ठीक है, और राम को 40% वोट मिले, वोट मिले। और एक कैंडिडेट है आपका श्याम, तो अगर बताइए कि गांव में टोटल 3000 वोट हैं, गांव में जो टोटल वोट है एक कैंडिडेट और है आपका श्याम, श्याम को कितने वोट मिले, टोटल जो कैंडिडेट हैं मतदाता जो हैं, मतदाता की संख्या दी गई है आपकी 3000 दी गई है, तो आपको बताना है कि श्याम को कितने परसेंटेज और कितने वोट मिले, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको बता रहे राम को कितने वोट मिले, 40%, राम को 40% वोट मिले और टोटल मतदाता कितने हैं, 3000 हैं, तो 3000 का 40% हो गया आपका, 3000 का 40%। तो राम को कितने वोट मिले, 1200 वोट मिले, टोटल वोट कितने हैं, और श्याम को कितने वोट मिले आपको पता करना है, तो 3000 माइनस 1200 वोट मिले, ठीक है, 1800 वोट किसको मिले, श्याम को 1800 वोट आपको मिले श्याम को, ठीक है, क्योंकि इसको 40% वोट मिले थे, तो श्याम को कितने परसेंट वोट मिले, 60%, ओके। राम और श्याम, ठीक है, ये इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, राम को वोट मिलता है आपका 55%, श्याम कितना वोट मिलेगा, 45%, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी जो हार का अंतर है, हार का अंतर जो है, अंतर आपको दिया गया है 1000, तो आपको बताना है कि टोटल उस गांव में कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता हैं आपको बताने हैं, मतदाता की संख्या आपको बतानी है। तो राम कितने वोट मिले, 55%, श्याम को 45%, हार का अंतर, तो 55% अंतर कितना है आपके इन दोनों में, 55-45 10% का अंतर है ना, हार का अंतर कितना होता है, डिफरेंस है, हार का अंतर कितना होगा, 10% है, ठीक है, तो 10% कितना दिया गया है, 1000, 10% कितना है आपका, 1000 है, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हैं आपके, मतदाता कितने, 100% है, 10% आपका 1000, तो 100% कितना हुआ आपका, 100% निकालना है आपको, 100% कितना हुआ आपका, इसका 10 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया आपका, 10000 हो गया, ठीक है। तो जो टोटल मतदाता कितने थे आपके, 10000 मतदाता हैं वहां पे, ठीक है। एक इलेक्शन हो रहा है उसमें आपके तीन कैंडिडेट हैं, मोहन राकेश और श्याम, मोहन राकेश और श्याम तीन कैंडिडेट हैं, मोहन को वोट मिले आपके 30% और राकेश को मिले आपके 35%, ठीक है। आपको बताने हैं श्याम को कितने वोट मिले, जब टोटल वोटों की संख्या दी गई है आपकी 12000, टोटल जो मतदाता हैं उनकी संख्या दी गई है आपको
12,000। तो आपको बताना है श्याम को कितने वोट, कितने परसेंट वोट मिले। तो आप जानते हैं श्याम को वोट कैसे निकालेंगे, आपको 100 माइनस मोहन और राकेश के वोट निकालना है आपको, 30 प्लस 35 कितना 35%। श्याम को मिले आपके 35% वोट। तो 12,000 का मतदाता कितने हैं, 12,000 का 35%, 12,000 का 35%, 35 बटे 100, ठीक है, 35 × 70 = 37 = 42। तो कितने वोट मिले आपको, 42 वोट मिले। किसको, श्याम को। श्याम को कितने वोट मिले, 42 वोट मिले। ओके, श्याम कितने वोट मिले, श्याम को मिले आपके 42 वोट। हम बात करते हैं आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन की, ठीक है, हम बात करते हैं आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन की, आय और आय व्यय पर आधारित जो ऊपर आधारित क्वेश्चन आधारित प्रश्नों की, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी आय है आपकी 10,000 रुपये दी गई, ठीक है, कितनी इनकम है 10,000। कह रहा है कि वो कोई व्यक्ति अपने, उसकी इनकम दी गई है आपको 10,000, वो अपनी इनकम का 50%, ठीक है, 50% उसका वो खाने पर, ठीक है, खाना प्लस रेंट उसका, खाने प्लस किराए पर, 20% जो है एजुकेशन पर, शिक्षा पर, 5% उसके अदर खर्चे हैं, ठीक है, अदर खर्चे पर, अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करता है, एक्सपेंसेस पे खर्च करता है। तो आप बताइए कि उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है, ठीक है, 50% खाने प्लस किराया खर्च करता है, 20% एजुकेशन पे खर्च करता है, 5% उसके अदर एक्सपेंसेस हैं। तो आप बताइए कि वो उसकी बचत कितनी है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं 50 + 20 + 5 कितना होगा, 50 × 75% 75% जो है वो खर्च हो रहे हैं, ठीक है, कितना बचा आपका बचत, 100 − 75 25%, ठीक। हम निकाल लेते हैं टोटल इनकम कितनी है, 10,000 दी है, तो 10,000 का 25% तो वो उसकी बचत कितनी है आपकी 2500 रुपये, ठीक है, उसकी बचत कितनी है 2500 रुपये। एक व्यक्ति है मोहन, ठीक है, मोहन जो है 30% अमाउंट, 30% अपना परिवहन पे खर्च करता है, 30% परिवहन पे, ठीक है, 40% आपका खर्च करता है अपना खाना प्लस रेंट प्लस अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो आपको बताना है, और 50% जो है वो बचत करता है, 50% बचत करता है, करता है। उसकी जो इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है आपकी, उसकी इनकम दे रखी है आपकी 20,000 रुपये, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कितने परसेंट की जो है बचत करता है। तो आपको पता करना है कि मोहन की बचत कितनी है, मोहन की बचत, ठीक है, मोहन की बचत कितनी है, कितना इनकम है इसकी 20,000 रुपये। और देखिए 30% परिवहन पर खर्च करता है, 30% का परिवहन पर खर्च होता है, तो 30% का मीन्स 70/100, ठीक है,
उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 40% खाने और अदर खर्च, इस पर अदर खर्चों पर खर्च करता है 60/100 और 50% की बचत करता है 50/100। तो आपको बताना है कि मोहन के पास उस कितने पैसे की वो बचत करता है। देखिए हमने क्या किया, ये व्यय दिया गया ना आपका, 30% का खर्च हो रहा है, 40% फिर खर्च हो रहा है, 50% मीन्स 30% उसका परिवहन का खर्च हो रहा है, फिर शेष अमाउंट का 40%, फिर शेष अमाउंट का 50%। अगर इस तरीके से सूचना आएंगे तो आप इस फॉर्मेट में उसको लिखेंगे, जितने भी आपका 30% परिवहन खर्च के बाद कितना बच रहा है उसका 70%, 40% खाने में खर्च कर रहा है कितना बच रहा है 60%, 50% बचत कर रहा है तो कितना बचेगा उसका 50% बचेगा। तो आपका इनकम दिया गया है उससे आपकी बचत निकल आएगी, तो मोहन की बचत बचत कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो देखिए दो जीरो है आपके, ये कट गया, ठीक, पांच, अब ये दो जीरो हमने इससे काट दिए, ये दो जीरो जो है ये भी कट जाएंगे, आपको किससे कट जाएंगे, अब कितना बचा आपका 2×70×6×5, ठीक है, 6×30 × 60, 42 मतलब 70×60 हो गया ना आपका, 5×6×30 × 60, तो 4200 रुपये की क्या करता है बचत करता है उसकी 4200 रुपये। एक क्वेश्चन है आपका मीरा, ठीक है, मीरा की बचत दी गई है आपकी, मीरा की आपको क्या दी गई है बचत दी गई है, कितनी है आपकी 3600 रुपये दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा की बचत 3600 रुपये है, वो जो है 20% किराए पे खर्च करती है, अपने इनकम का 20% वो किराए पे खर्च करती है तथा 70% जो है घरेलू व अन्य खर्चों पे खर्च करती है, घरेलू प्लस अन्य, ठीक है, उसकी बचत दी गई है, तो आपको क्या बतानी है मीरा की आय कितनी है, इनकम जो बतानी है आपको कि मीरा की आय कितनी है। तो आपको मालूम है बचत का फॉर्मूला, तो आप ट्राई करते हैं बचत फॉर्मूला से, बचत क्या आ जाएगी आय इंटू एक्सपेंसेस, देखिए 20% उसका किराया है तो कितना बचत हो रही है उसकी 80%, 80/100, ठीक है, 70% उसका घरेलू और अन्य खर्च हो रहा है तो कितना बचत हो रही है आपकी 30%, ठीक है, तो बचत दी गई आपको कितनी 3600 रुपये दी गई, ठीक है, आय ये देखिए ये जीरो जीरो कट गया आपका, ठीक है, 8×3/100, ठीक है, इसको वहाँ यहाँ देख लेते हैं, तो आय कितनी होगी आपकी, ये 100 है इसके साथ आ जाएगा 3600×100/8×3, ठीक, दो चौक 8 होता है आपका, 18 × 36, ठीक है, 18 से आपने काटे इसको 2 आ गया आपका 900 हो गया, 3 से काट दिया 300, ठीक है, 150 कितना हो गया आपका 15000 हो गया, ठीक है, तो उसकी जो आय कितनी है आपकी 15000 रुपये है। ओके, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके, हम आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक व्यक्ति है रामलाल, ठीक है, रामलाल अपने वेतन का जो है, ठीक है, रामलाल अपने वेतन का 20%, रामलाल अपने वेतन का 20% किसको खर्च करता है, किराए पे खर्च करता है, 60% आपका 60% उसके घरेलू खर्चे हैं, घरेलू खर्चा और 1000 रुपये की, 1000 रुपये की वो क्या करता है अपनी LIC की किस्त भरता है, LIC की किस्त देता है आपका, ठीक है, LIC की किस्त देता है और उसकी बचत दी गई है, बचत उसकी दी गई है आपकी 1200 रुपये, तो आप उसकी आय
कितनी है आय बतानी है आपको, ठीक है। तो बचत का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, बचत इक्वल टू आय इंटू, अब ये देखिए 20% उसका किराया है तो कितनी बचत है 80%, 80/100। 60% घरेलू खर्च पे खर्च है तो कितनी बचत है 40%, 40/100। उसके बाद आपके क्या है 1000 रुपये की एलआईसी की किस्त जाती है माइनस 1000, ठीक है। बचत आपको दी गई, आपको आय पता करनी है, बचत कितनी हुई आपकी 1200 रुपये। आय देखिए ये जो 1000 रुपीज है ये आपका किस तरफ चला जाएगा प्लस 1000 रुपये आय इंटू 80/100 इंटू 40/100, ठीक है। ये जीरो आपका कट गया 832, ठीक है। आप सर कर लीजिए तो 425/100 हो गया, ठीक है। तो आय ये कितना हो गया 1000+1200 22 हो गया आपका, 22 इक्वल टू आय इंटू 8/25, ठीक है, 8/25। तो आय बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ देख लीजिए आय इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 आपका इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2200 × 25 आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए 2 1100 2 4 8 दो से कट जाएगा फिर 2 × 4 और 550 दो से कट जाएगा 500 250 275 275 × 25, ठीक है। 25 × 5 = 125, ठीक है। बचा आपका 12 25 × 75 = 187 बचा आपका 18 25 × 50 = 18 6875 रुपये उसकी क्या है आपकी आय है, ठीक है। उसकी आय कितनी है 6875 रुपये, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।